हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपको ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अब फाइनली बज रहे हैं, अब 3:07 हो गए। और देखो, मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और देख सकते हो धूप कैसे कड़क भी पड़ रही है। बहुत इतनी धूप पड़ रही है कि क्या बताऊँ। धूप में निकल नहीं सकता बाहर, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर शूट कर रहा हूँ। और आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इस ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो गाइज़, फाइनली मैं आज बहुत खुश हूँ। तो फाइनली गाइज, मैं आज बहुत खुश हूँ। और मेरा जो एटीएम कार्ड है, जो कि आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा, और पास दिखा सकता हूँ, और देख लो, ये मेरा एटीएम कार्ड आ गया है। फाइनली मेरा ये एटीएम कार्ड आ गया है। और ये कितने दिनों के बाद आया है, और कितनी मेहनत और कितने टाइम तक इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये फॉर्म भरा था लगभग, अब ये चल रहा है जुलाई, जुलाई है ना, तो मैंने भरा था मई में, मई जून जुलाई, मतलब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने तक मैं इसके लिए लगातार चक्कर काटता रहा, लगातार चक्कर काटता रहा इसके लिए। और वो बोल रहे थे कि तुम्हारा एटीएम कार्ड बनकर आ जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर आपका एटीएम कार्ड बनकर आ जाएगा। तो उस मतलब वहाँ तक इंतज़ार करने के बाद, 1 महीना कंप्लीट होने के बाद, मैंने चक्कर लगाना वहाँ पर शुरू कर दिया। हमारी जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, कि जो शाखा है, उस पर मैंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मेरा केटीएम कार्ड में इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? सो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, तो उनकी वजह से। और कईयों के मतलब वो ये भी बता रहे थे कि कईयों के दो दो तीन तीन छः छः महीने भी हो जाते हैं इसको आने में। तो फाइनली मुझे 6 महीने तो नहीं, लेकिन 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा। और काफ़ी वेट करने के बाद ये फाइनली आज आया हुआ है। और आज कितनी तारीख है? आज है 7 तारीख, और 7वां, मतलब 7 तारीख और 7 महीना, और 2022 के अंदर ये एटीएम कार्ड आ गया है। और मुझे इसकी इसलिए ज़रूरत थी, कुछ मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह और कुछ भी बहुत सारे वो होते हैं, काम होते हैं इसके, डेबिट कार्ड के, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, और ये फाइनली आ चुका है। सो गाइस, अगर आप भी का भी जो एटीएम कार्ड है वो अभी तक नहीं आया, तो एटीएम कार्ड आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उसकी वजह से। ये मैंने उनसे भी बात की थी, किनसे, कस्टमर, इनके कस्टमर केयर से बात की थी, तो उनकी वजह से उन्होंने कहा था कि तो थोड़ा टेक्निकल इशूज, उसकी वजह से आपका एटीएम कार्ड में आने में समय लग रहा है। तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, और ये मेरा एटीएम कार्ड गया है। एंड चलिए गाइस, ये बिल्कुल सील पैक है, मैंने अभी तक तो इसको खोला भी नहीं है। ये आया था लगभग 2 बजे के बीच में आया था, तो मैं इसे अब खोल रहा हूँ। वीडियो बनाने के साथ साथ मैं इसे वीडियो इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो शायद चलिए इस वीडियो को, इसका मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। अभी तो सील पैक है, आप देख सकते हो, अभी कुछ भी नहीं खोला है। तो मैं आपको इसके साथ मैं खोलता हूँ इसको, देख सकते हो आप, आपके सामने खोल रहा हूँ, देखते हैं। पहली बार ऐसा ही मेरा जो 6 डिजिट का जो कोड है वो आएगा मोनेटाइज होने के बाद। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करना, मीन्स इस वीडियो के हर वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा ना, तो मेरा जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये मैंने कर दिया ओपन, ये खाली बॉक्स है, इसके अंदर शायद कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पर्चा है। ओहो, ये मेरा उसका एटीएम कार्ड का रखने का कागज़, ये कागज़ एटीएम कार्ड को रखा जाता है, तो ये एटीएम कार्ड का कागज़ है गाइस, आप देख सकते हो। और ये टूल्स वगैरह जो होते हैं ना, रूल्स वगैरह, कैसे कैसे आपको मतलब इसका जो पिन कार्ड है, वो पिन कोड नंबर है, वो कैसे कैसे अप्लाई करना होगा। और इसमें ही मेरा एटीएम कार्ड रखा हुआ है, जो आपको दिखाता हूँ, देखो गाइस, ये चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ। मैं इसको चलता हूँ। उछल गया गाइस, आप देख सकते हो, ये मेरा फाइनली एटीएम कार्ड आ चुका है, फाइनली आ चुका है गाइस। और ये है इसका पर्चा, इसमें वही है, वही पूछूंगी कि इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, मतलब कैसे कैसे आपको इसका पिन कोड नंबर होगा। तो खाली ये है, एक पर्चा, रूल्स वगैरह, और इसका एक कागज़ वो सो रखने का, और ये मेरा एटीएम कार्ड का वो जिसमें रखते हैं अपन पॉकेट में, तो ये मेरा एटीएम कार्ड रखने का पैकेट। सो गाइस, ये फाइनली मेरा एटीएम कार्ड आ चुका है।
और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब अपना चैनल मोनिटाइज होता है ना, 1,000 सब्सक्राइब प्लस 4,000 वॉच घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद अपन जब यूट्यूब के लिए चैनल को मोनिटाइज के लिए भेजते हैं, तो तब अपना जैसे वो सब कुछ वेरीफाई होने के बाद वो आप अपना मोनिटाइजेशन मतलब कर देते हैं, अप्लाई हो जाता है अपना। फिर उसके बाद अपना आता है 6 नंबर का कोड, 6 से 4 नंबर का कोड आता है, वो आता है पे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से ये आया मेरा। तो गाइस अगर आपका आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा तो मेरी वीडियो अगर चलने के बाद, मेरा चैनल मोनिटाइज होने के बाद, तो ऐसे ही जैसे मेरे ये एटीएम कार्ड आया, तो वैसे ही मेरा ये 6 डिजिट का मेरा एक कोड आएगा, उसको अप्लाई करने के बाद मेरा पूर्ण रूप से मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। सो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इस जल्दी को जल्दी से जल्दी मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरा इस फ़ोन पे एटीएम वगैरह जो भी है, फ़ोन पे पेटीएम सब बहुत सारी चीज़ होते हैं, उसको बनाने यूपीआई उसको ऐड कर लेता हूँ इसके द्वारा। और इसका जो पिन कोड नंबर है वो शायद नहीं होगा, तो वो और मैं देखूँगा कैसे कैसे होगा, उसके बारे में जाँच करूँगा। तो फाइनली मेरा एटीएम कार्ड आ चुका है, अगर और ये आपका नहीं आया तो थोड़ी देर इंतज़ार और कीजिएगा, आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इसके बारे में आप अपनी बैंक शाखा से पता लगा सकते हो। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, हिंदुस्तान के हर कोने में ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड जय हिंद दोस्तों।